हेलो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा किसी भी मोबाइल के अंदर आप कैसे 5G एनेबल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4G चल रहा है, मैं इसमें 5G एनेबल करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले आपको जियो का सिम होना चाहिए। जियो टू 5G एनेबल करेंगे तो पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद देखिए, आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको जियो जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, जियो जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। मेरे को अपडेट दिखा रहा है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ। अगर आपको इंस्टॉल दिखाएगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे आप किसी भी मोबाइल के अंदर 5G एनेबल कर सकते हैं, जियो टू 5G एनेबल कर सकते हैं और अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हैं जियो की तरफ से। तो देखिए, ये अपडेट हो गया है। अभी ओपन ऑप्शन दिखाएगा और मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन ऑप्शन दिखा रहा है तो मैं इसको ओपन करूँगा। अगर आपको इंस्टॉल दिखाएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए, ऐसा ऑप्शन आपके पास दिखाएगा। तो दिखाने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसको क्रॉस करना है आपको। क्रॉस करने के बाद नीचे आपको आ जाना है। देखिए, नीचे आने के बाद मोबाइल प्रीपेड, यहाँ पे आपका नंबर दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे एरो चिन्ह, एरो जो एक साइन है ये दिखाएगा, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपका नंबर यहाँ पे शो करेगा, आप इसको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए, ये ऑप्शन आपको शो करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ अपग्रेडेड टू एक्सपीरियंस द लाइटनिंग फास्ट स्पीड ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 5G नेटवर्क इन जियो फाइव ट्रू 5G। इस पर आपको क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद फास्ट देखिए, जी वेलकम ऑफर जो मेरे पास है, वेलकम ऑफर होना चाहिए। हैंडसेट 5G कंपेबिलिटी, मतलब हैंडसेट 5G होना चाहिए, वो भी मेरे पास है। अब देखिए, इज़ योर हैंडसेट ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्सन, आपको जो हैंडसेट है ये क्या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्सन है, मैं अपडेट कर लिया था। अगर आप अपडेट नहीं हुआ आपका फ़ोन में अभी तक, तो आपको अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे अभी मैं आई हैव अपडेट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए, चेक योर 5G सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर अभी तक 5G अनेबल नहीं हुआ है, तो आपको गो टू सेटिंग्स पे जाना है। गो टू सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको देखिए मोबाइल नेटवर्क मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे फास्ट सिम में आपका जियो होना चाहिए, तो मेरा फास्ट सिम में जियो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ से मैं थोड़ा बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको एकदम नीचे आना है, मोड सेटिंग में आना है। मोड सेटिंग में जाने के बाद स्मार्ट 5G आपको मिलेगा, इसको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पे 5G नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद देखिए, यहाँ पे सिम वन जियो होना चाहिए, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे प्रेफर नेटवर्क टाइप पे क्लिक करना है। ये 5G 4G 3G 2G ऑटो लिखा हुआ रहेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही तुरंत बाद आपका फ़ोन के अंदर 5G एनेबल हो जाएगा। उसके बाद भी आपका फ़ोन के अंदर 5G एनेबल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, आपको जाना है यहाँ पे ऑपरेटर पे, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके पहले आपको एक चीज़ करना है, एक्सेस पॉइंट नेम पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जो आई बटन है इस पर क्लिक करना है। देखिए, आई बटन पे क्लिक करना है और आपको थ्री डॉट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, रीसेट एक्सेस पॉइंट को आपको रीसेट कर देना है। तो मैं रीसेट एक्सेस पॉइंट कर देता हूँ। करने के बाद ये एकदम फ्रेश, मतलब APN सेटिंग एकदम नया तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको, अगर इसके बाद भी आपका फ़ोन के अंदर 5G नहीं आया तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटर पे जाना है। ऑटो सिलेक्ट लिखा हुआ है, आपको इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद देखिए, योर फोन विल यूज़ द ऑटो मोबाइल नेटवर्क यू सिलेक्ट मैनुअली, इसको ऑफ करना है। अच्छा, द सिग्नल इस और सर्वर में बिकम अनअवेलेबल पीस ऑफ एनी वे, तो मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ये सर्च होगा, थोड़ा आपको वेट करना है। ये सर्च होके जियो 5G का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, थोड़ा आपको वेट करना है। देखिए, यहाँ पे जियो 5G का ऑप्शन शो करेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके आपका फ़ोन के अंदर 5G एनेबल हो जाना चाहिए।
थोड़ा आपको वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 5G ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, तो आपको 4G में टिक रहेगा, 5G में आपको टिक करना है और ऑटो सिलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। 5G में टिक करना है, ऑटो सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो मैं ऑटो सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ऑटो सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बैक आना है। अभी आपको जियो ऐप में जाके आपको दिखाता हूँ। बैक आ गया, जियो ऐप में आ गया। गेट स्टार्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए जियो वेलकम पर ओके, हैंडसेट 5G कंपेबिलिटी ओके, ये जो हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्जन ओके, देखिए हैंडसेट 5G सेटिंग्स भी ओके, मतलब आपका फ़ोन के अंदर ट्रू 5G एनेबल हो गया। अभी आपका फ़ोन के अंदर 5G एनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसा और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ज़रूर बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।